The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So again, welcome guys. Let's talk about 5-6 clinical syndromes which are associated with COVID-19. Now, what do you mean by clinical syndrome? अगर हम बात करें कि आपको COVID-19 कोरोना वायरस है तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, किस कैटेगरी में आप हो, क्यों कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है, दिनों में मर जाता है, क्यों कोई इंसान 80% लोगों को कुछ नहीं होता. सो ये क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं. सिंड्रोम मतलब क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जो कोरोना वायरस COVID-19 के साथ एसोसिएटेड हैं. और इसको कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जितना सिवियर केस होगा उसको उतना सिवियर ट्रीटमेंट चाहिए होगा, राइट. सो हम बहुत सिंपल है कि आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, क्लिनिकल सिंड्रोम्स क्या है, क्लिनिकल डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन का क्या मतलब है, व्हेन टू सस्पेक्ट, कब सस्पेक्ट करेंगे कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं. नंबर वन, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई भी अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस के सिम्टम्स हैं, बुखार हैं, और आपने पिछले जैसे हमने बताया था इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ था 14 दिन में, उसके अलावा अगर आप जो भी लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केस है तो वो तो है ही, कन्फर्म्ड है. दूसरा, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं और डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आपको सर्दी खांसी गला खराब वाले सिम्टम्स आ गए तो भी सस्पेक्टेड केस हो जाता है भी इको कोरोना हो सकता है. फिर जितने भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हैं जिनको सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, सारी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, राइट, फीवर हो, कफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ये ऐसी चीजें हैं, वो सस्पेक्टेड केसेस हैं कि उनको कोरोना हो सकता है. और एसिम्टोमेटिक केसेस जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, मतलब हस्बैंड है वाइफ के या घर पे रहने वाले आपके घर वाले, अगर आपको पॉजिटिव है तो आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आप जिससे मिलते हो, आपके घर में काम करने वाले, वो लोग हाई रिस्क हो जाते हैं, उनके भी टेस्ट होने चाहिए. वो लेकिन जब कॉन्टैक्ट हुआ उसी दिन नहीं, पाँच दिन के बाद ही आपका प्रॉपर पॉजिटिव आ पाएगा, क्योंकि वायरस अगर आपके अंदर गया भी तो पहले दिन डिटेक्टेबल नहीं होगा. वायरस को मल्टीप्लाई होकर उतना कॉन्सेंट्रेशन आने की देर टाइम लेना पड़ेगा ताकि वो डिटेक्टेबल हो पाए. तो 5-14 दिन के अंदर अंदर टेस्ट होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट का, बिल्कुल ऐसे ही जैसा डेंगू का थोड़ा दिन बाद टेस्ट करते थे. सो दैट इज देयर. तो सिम्टोमेटिक केसेस को वो रेफर कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं कफ. सिम्टोमेटिक का मतलब है आपको फीवर है, कफ है या सांस में दिक्कत है, गला खराब नहीं, फीवर, कफ, सांस में दिक्कत, राइट. गला खराब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस में दिक्कत लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं. तो जो डायरेक्ट हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनको, जो रह रहे हैं उनको भी टेस्ट होता है. तो इसमें 5-6 प्रकार के आप मान सकते हैं सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब क्या, पहला चांस क्या होगा, पहला कि अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट है उसको बिल्कुल थोड़े बहुत गले में खराश है, नॉन स्पेसिफिक बुखार, जरा बहुत फीवर जैसा लग रहा है, कोई नेजल कंजेशन है, माइल्ड हेडेक है या कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं. और इवन कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, एल्डरली पेशेंट अजीब गरीब सिम्टम्स के साथ, डायरिया के साथ, लूज मोशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ये पहली कैटेगरी है अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस, कैटेगरी वन. सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड सिंड्रोम है माइल्ड निमोनिया. माइल्ड निमोनिया में पेशेंट को सिवियर निमोनिया का कोई साइन नहीं होगा, मतलब कि उनको थोड़ा बहुत कफ रह सकता है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग रह सकता है, फास्ट ब्रीदिंग रह सकता है, लेकिन बहुत मेजर नहीं होगा. इसको अगर चाइल्ड के केस में, जैसे एडल्ट में तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा उनको, चाइल्ड के केस में थोड़ा सा ब्रीदिंग और फास्ट इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है माइल्ड निमोनिया पे भी. एक बच्चा है तो उसकी फास्ट ब्रीदिंग है, मतलब ब्रेथ्स पर मिनट देखा जाता है, 2 महीने के नीचे है तो उसका 60 से ज़्यादा अगर ब्रेथ पर मिनट है तो वो हो जाएगा माइल्ड निमोनिया, और 2 से 11 महीने का है तो 50 से ज़्यादा, और 1 से 5 साल का है तो 40 से ज़्यादा, याद रखिए. लेकिन उसको कोई सिवियर निमोनिया के साइन नहीं होना चाहिए. सिवियर निमोनिया के साइन पर हम अभी आएंगे कि माइल्ड निमोनिया हो गया. अब थर्ड कैटेगरी है सिवियर निमोनिया. सिवियर निमोनिया में जो एडल्ट हैं, जो एडोलेसेंट हैं, उनको बुखार आएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आएगा, मतलब या तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस में दिक्कत आएगी, और साथ में कोई ना कोई एक साइन होगा, यानी कि या तो सांस की रेट, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो जाएगी 1 मिनट में, या फिर सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. उसको देखने के लिए हमने सैचुरेशन प्रोब देखना है, SpO2 सैचुरेशन प्रोब जो उंगली में लगता, अंगूठे में लगता, उसमें हम देखते हैं कि आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके ब्लड में कितना जा रहा है. वो अगर 90 से कम है,
90 से कम है तो आपको सिवियर निमोनिया है, 90 से ज्यादा है तो माइल्ड सा है. सो सिवियर निमोनिया इज 90 से ऊपर कम. और बच्चों के केस में सिस्टम अलग होता है. बच्चे में अगर छोटा बच्चा है तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ब्रीदिंग डिफिकल्टी, प्लस अगर उसको सेंट्रल साइनोसिस मतलब लिप्स नीले पड़ रहे हैं, उंगलियां नीली पड़ रही हैं या चेहरा नीला पड़ रहा है, साइनोसिस बोलते हैं इसको, यानी ऑक्सीजन कम मिल रहा है, या फिर सैचुरेशन प्रोब बच्चे का भी 90 से नीचे जा रहा है, या फिर उसको ग्रंटिंग हो रहा है, चेस्ट इनड्रॉ हो रहा है, बहुत जोर लगा के सांस ले रहा है, या किसी भी प्रकार के न्यूमोनिया के डेंजर साइन आ रहे हैं बच्चे में, जैसे कि खाना नहीं खा पाना, पानी नहीं पी पाना, बेहोश रहना, बहुत ही ज़्यादा थके थके रहना, उठना नहीं, दौरे पड़ना, ये सब सीरियस साइंस हैं छोटे बच्चे में. ऐसे में कोई भी इस तरीके का साइन हो आपको उसको सीरियसली लेना है. और बच्चों में भी ब्रीदिंग गिनी जाती है, फास्ट ब्रीदिंग, यानी कि 2 महीने से नीचे अगर 60 से ज़्यादा है ब्रीदिंग तो फास्ट हो गई, 2 से 11 महीने के बीच में 50 से ज़्यादा, 1 से 5 के बीच में 40 से ज़्यादा 1 मिनट में अगर ब्रीदिंग ले रहे हैं तो दैट इज़ सिवियर थिंग, सिवियर निमोनिया हो जाएगा ये. तो सिवियर निमोनिया सिवियर होता है, उसके लिए कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट हमने आपको बता चुके हैं कैसा होगा. उसके अलावा ये हो गया थर्ड कैटेगरी, थर्ड सिंड्रोम. चौथा सिंड्रोम है एक्यूट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ये अपने आप में बहुत खतरनाक है. ऑनसेट ही इसका ऐसा होता हो कि एकदम से जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा वर्स हो गए हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर एकदम ज़्यादा, राइट. छाती के एक्सरे में बायलैटरल ओपेसिटीज आ गई हैं, इफ्यूजन आ गए हैं, लंग कोलैप्स हो रहे हैं, नोड्यूल्स आ गए हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से, और पानी भर रहा है छाती में, पैरों में, कई जगह भर सकता है. रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट के साथ हो, हार्ट फेलियर रेस्पिरेटरी फेलियर दोनों साथ में हो, फ्लूइड ओवरलोड हो साथ में, इकोकार्डियोग्राफी करी जाती है हार्ट की आपके, और ऑक्सीजेशन देखा जाता है. माइल्ड ARDS भी होता है, सिवियर मॉडरेट और सिवियर ARDS भी होता है. ARDS में अंदर कैटेगरी है. माइल्ड ARDS का मतलब है कि आपका 200 mmHg का आपका प्रेशर है, याद रखिए ना, 200 mmHg मतलब PaO2 FiO2 का प्रेशर रखना पड़ रहा है आपका ऑक्सीजनेशन के लिए. यानी अगर माइल्ड ARDS लग रहा है तो इतने प्रेशर में काम हो जाएगा. ये ट्रीटमेंट बेसिकली होता है, ऑक्सीजन दिया जाता है. ARDS का ट्रीटमेंट ये है ऑक्सीजनेशन, राइट. तो 200 mmHg का आपका PA प्रेशर्स हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन प्रेशर है, और FiO2 आपका 300 mmHg, और पीप और सीपैप आपका मोर देन 5 cm H2O या नॉन वेंट. ये आपको वैसे समझेगा नहीं, मैं मेडिकल लोगों के लिए चार्ट दे देता हूँ, वो उसको समझ जाएगा कि माइल्ड ARDS, मॉडरेट ARDS, सीवियर ARDS, और कब जब PO2 नहीं अवेलेबल हो तो FiO2 को देख के कैसे ARDS को कैटेगरीज में डाला जाता है, राइट. और ऑक्सीजनेशन भी देखा जाता है, उसकी भी कैटेगरी है माइल्ड मॉडरेट सीवियर ARDS को डालने के लिए. फिर सेप्सिस एक और कैटेगरी है, मतलब चौथी कैटेगरी के बाद ARDS जैसी खतरनाक कैटेगरी के बाद पांचवी भी है सेप्सिस. सेप्सिस का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन, इतना इन्फेक्शन फैल गया है कि आपके बॉडी के ऑर्गन बंद होने लगे हैं. वो बहुत जो डिसरेगुलेशन होता है आपके रिस्पॉन्स का, होस्ट रिस्पॉन्स का, जिसको हम काफ़ी डेंजरस सिचुएशन बोलते हैं. ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, आप बेहोश हो सकते हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में हो सकते हैं, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बहुत लो हो जाएगा, हो सकता है 80-70-60 ऐसा हो जाए. यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि किडनी फेल हो रही है. हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, पल्स रेट वीक हो जाएगा, पल्स प्रेशर बहुत वीक हो जाएगा. एक्सट्रीमिटीज़ आपके हाथ पैर ठंडे कोल्ड हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, स्किन मोटली हो जाएगी, कोएगुलोपैथी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, खून कमी हो सकती है, खून क्लॉट हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है, बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेप्सिस वाले केसेस में. ऐसे केसेस को फिर जानलेवा बात होती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा. फिर बच्चों में भी ऐसा हो सकता है, बच्चों में सस्पेक्टेड या प्रूवन इन्फेक्शन हो अगर मोर देन 2 SIRS क्राइटेरिया, SIRS क्राइटेरिया, जो कि पीडियाट्रिशियंस को पता है क्या क्राइटेरिया, वो हमारे आपके लिए नहीं है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि उनके क्राइटेरिया जिसमें एबनॉर्मल टेम्परेचर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड काउंट्स, यानी कि WBC काउंट और एबनॉर्मल टेम्परेचर, दो चीज़ होती है, तो उसको सेप्सिस माना जाता है. छठा और आखिरी खतरनाक, सबसे खतरनाक क्लिनिकल सिंड्रोम कोविड या कोरोना वायरस का है सेप्सिस के बाद सेप्टिक शॉक. सेप्सिस हो गया, सेप्टिक शॉक हो रहा है. नाउ व्हाट इज दिस? एडल्ट्स में सेप्टिक शॉक का मतलब है कि अब आपकी बॉडी ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर पा रही है.
पहले तो लो था आपका ब्लड प्रेशर कि चलो हो तो रहा था, अब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है आपके बॉडी के अंदर, परसिस्टेंट काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी घंटे हो गए हैं, हाइपोटेंशन चल रहा है, लो ब्लड प्रेशर चल रहा है, किसी भी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा है, हर ऑर्गन फेल होने लग रहा है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जा रही है, वैसोप्रेसर दिए जा रहे हैं, आपके ब्लड के अंदर जो एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो कि ब्लड फ्लो होते हुए किडनी क्लियर करती रहती है, वो नहीं क्लियर हो रहा है, वो लैक्टेट आपका 2 मिलीमोल पर लीटर से बढ़ गया है, और आपको ब्लड प्रेशर मिनिमम जो मेन आर्टेरियल प्रेशर को 65 mm तक रखने के लिए ही, हमें मिनिमम रखने के लिए ही वैसोप्रेसर खून ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देनी पड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, सेप्टिक शॉक दैट इज़ वेरी डेडली। और बच्चों में इसका जो क्राइटेरिया आता है वो भी सीवियर हाइपोटेंशन आएगा, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिफ्थ सेंटाइल या फिर मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द नॉर्मल फॉर द एज वाइज होता है, नाउ दैट इज़ अ क्राइटेरिया विच पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर समझेंगे। या फिर 2 से 3 क्राइटेरियाज उनमें होनी चाहिए सिम्टम वाइज, या तो फिर मेंटल स्टेट प्रॉब्लम है, मेंटल स्टेट अलर्ट नहीं है, एकदम अल्टर्ड मेंटल स्टेट है बच्चे का, ब्रैडीकार्डिया या टैकीकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट या तो 90 से कम है या 160 से ज़्यादा, ब्रैडी मतलब स्लो, टैकी मतलब हाई, हार्ट रेट दिल का धड़कन बच्चे का ये तो 90 से कम है और या तो 160 से ज़्यादा है, इन्फेंट्स में यानी कि 1 साल के नीचे, और जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं जो 1 साल के ऊपर हैं वो 70 से नीचे हार्ट रेट को ब्रैडी बोलेंगे उनके केस में, और 150 से ऊपर को हार्ट रेट को बोलेंगे सेप्टिक शॉक केस में बच्चों में। दूसरा, उनमें कैपिलरी रिफिल भी देखा जाता है, कैपिलरी रिफिल कि भाई आपके अगर हम एक जगह को दबाते हैं तो कितने देर में रिफिल हो रहा है, वाइट होके फिर रेड हो जाता है ना रिफिल, वो कितने देर में हो रहा है रिफिल, आपके कैपिलरी रिफिल नेल्स में भी देखा जा सकता है बच्चों में, पैर में एंकल में भी देखा जा सकता है, कई जगह देखा जा सकता है। सो वो कैपिलरी रिफिल अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा ले रहा है, 1-2 आप अपना देखेंगे आपका विदिन एक मिली सेकेंड हो जाता है, बच्चों में अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा रहा है दैट मीन्स कि वहाँ ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है, दिक्कत हो रही है, फ्लो नहीं हो पा रहा है, डेंजरस साइन है। और उसके साथ में अगर मान लो वैसोडायलेटेशन हो रहा है, बाउंडिंग पल्सेस आ रही हैं, टैकिपनिया सांस में दिक्कत हो रही है, स्किन मॉटलिंग, पेटिचिया, पर्पुलर रैशेज, लैक्टेट बढ़ रहे हैं, और लोग पेशाब नहीं आ रहा है, हाइपर या हाइपो बहुत ठंडा पड़ रहा है बच्चा, बहुत गर्म हो रहा है बच्चा, तो ये डेंजरस साइंस है, ये बताता है बच्चे में हो रहा है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक सबसे डेंजरस कैटेगरी है अगर हम माने क्लिनिकल सिंड्रोम की कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। तो ये 6 कैटेगरीज बहुत डेंजरस होती हैं। तो ये बीमारी ज़्यादातर लोगों में पहली और दूसरी कैटेगरी माइल्ड निमोनिया या अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस में होती है, लेकिन कुछ लोगों में सीरियस कैटेगरीज में चले जाती है, जिनको बचाने के लिए अस्पताल में सारे फैसिलिटीज़ होने चाहिए, एक साथ हज़ारों पेशेंट नहीं आने चाहिए, इसीलिए ये तामझाम है, इसीलिए आपको घर पे रहना है, इसीलिए आपको वीडियोस देखते रहना है, शेयर करते रहना है, सही जानकारी लेते रहनी है, समझते रहना है और देखते रहना है। डॉक्टर एजुकेशन, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।